सूर्य पराग भारत सरकार ओडिशा सरकार सब छुट्टी ता सत्ते आपण माने मूल्यवान समय नष्ट करी आछंती ओटा ऐतिहासिक धौली पहाड़ जोति पाए ओडिशा गर्व करे पृथ्वी रे तीनोटी घटना रोम दंगा रे लक्ष 20,000 लोक मरथिले द्वितीय होची धौली पहाड़ युद्ध रे अशोक सहित लक्ष रु ऊर्ध लोक मरथिले दया नदी नाली पड़ी जाइथला रक्त रे सेई धौली पहाड़ रे शांति स्तूप करबा पाए डॉक्टर महताब एवं राधानाथ रथ गोटे मीटिंग डाकिले आम 62 मसीहा बीजेपी कॉलेज छात्र महताब शिष्य हिसाब से आम एकत्रित हलु विश्व न्यागला जापानीज मैंने आसी ये शांति स्तूप करे प्रस्ताव निगला आम मान मत निगला एवं कार्य आरंभ होला से ही समय रु डॉक्टर महताब राधानाथ रथ प्लांटेशन वृक्षरोपण आरंभ कले धौली पहाड़ आम 62 मसीह 77 मुठिका से अंचल एमएलए धौली से शिशुपाल थिला जटणी ने आम वृक्षरोपण करवा धौली चारिपाख गोटे बाउंड्री करवा आर्कोलोजी की धरी से मंदिर डेवलप करवा तल मंदिर डेवलप करवा बुद्धिस्ट काम है से जापान जो कारीगर सब आसते इंजीनियर कारीगर से आम अंचल लोकल लोक आखुरस चा जलखिया बिस्कुट पाउरुटी काजू सब बिक्री करते बाड़ी क्याबिन सब भांगीदे आम महता साक्षात करू सार कौन ये 77 मसीहा मत कहले महताब जी सुरेन्द्र तुम घर नुह ये ये पहाड़ तुम ये माटी तुम या इज्जत रक्षा कार्य है तुम से प्रेरणा जा जापानी जो हगा नगा पिटा पिटिलु से जो क्याबिन तले ही पड़ी जो दोकानी से माने बसई दिया से अंचल लोक से माने गई या भितर दुनिया प्रकार झमला जापानीज कले मु महताब जी दृष्टि आकर्षण कले एमएलए हिसाब से सार कौन करवा ना कौन चाहत तुम्हें बोली धौली पहाड़ को आम जापानीज की देद टोटा आम रखानी ना कौन कह गए मंदिर करवा ना जा डीपी त्रिपाठी आरडी सेक्रेटरी था सुधांशु मोहन पट्टनायक चीफ सेक्रेटरी डकला जेमती रोड होती जापान से जापान पैसा रही शांति चुप को आम सेम रोड होती मंदिर मंदिर को एवं मंदिर उठी चलला मंदिर कंप्लीट हो जो मॉडर्नाइजेशन हो 50 वर्ष पूर्ति नवीन बाबू धन्यवाद सुरेश महापात्र चीफ सेक्रेटरी तुम जा सुपरविजन करने कौन करूल कौन करूल तुम्हें शांति स्तूप चारिपाख जो जो गछ तुम्हें पतित नवीन पतित हाँ पोतिया लोक आम बंचीचु 62 मसीह महताब राधानाथ रथ को धरी पोता है तुम काटिद मुख्यमंत्री जी ऊपर को गोटे लिफ्ट खंड लगी 55 लक्ष खर्च हो पहाच चढ़ी जापर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कारण जहा मुख्यमंत्री तुम स्वास्थ्य कारण तुम अफिसर चमचा मान
ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଲିମ୍ପଟା ଛାଡ଼ିଦେବ, ଉଠେଇବନି, ସେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଲିମ୍ପଟ ଉଠେଇବ ବିରାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁ ଆମେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଚାରିଆଡ଼ ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି, ଖୁଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୂଳ କାଟିଦେଇଛି ଖୁଣ୍ଟା ଚାରିପାଖ ଯାକ। ସେ ତ ଗଛ ପାହାଡ଼ରେ ଥିଲା, ତମ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ନୁହଁ, କାହିଁ କାଟିଲ? ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ନା ଏକ୍ସଟେନସନ ପାଇଁ? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି?